हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ छोटा घाघी, जो कि अंबिकापुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि एक नया वाटरफॉल है। इस जगह के बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि इस जगह को हाल ही में खोजा गया है, जो कि छोटा घाघी झरना के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। यह जगह जो कि सरगुजा संभाग में आता है, यह झरना जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो कार या बाइक दोनों से जा सकते हैं। यहाँ से हमको लेफ़्ट की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम राइट जाते हैं तो मेन पार्ट की ओर पहुँच जाएंगे, इसलिए हम यहाँ से लेफ़्ट जाते हैं और चलते हैं छोटा घाघी की ओर। तो गाइस, आप वीडियो भी बने रहें और पूरा वीडियो देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं छोटा घाघी, जो कि अंबिकापुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम यहां अपना बाइक खड़ा कर दिए हैं। अभी हमें यहां से पैदल जाना पड़ेगा, जो कि घाघी इधर है, यहां से बाइक नहीं जा पाता, इसलिए हम लोग बाइक अपना यहीं खड़ा कर दिए हैं। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड लोग, जो कि हम लोग 6 लोग आए हुए हैं। अब यहाँ से चलते हैं पैदल। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं घाघी की तरफ, जो कि छोटा घाघी है। हम लोग को इधर जाना होगा, जो कि मेरे साथ जा रहे हैं मेरे दोस्त लोग आगे आगे, और मैं पीछे पीछे जा रहा हूं, जो कि हम एक गाइड लेके आए हैं, जो हम लोग को लेके जा रहा है छोटा घाघी दिखाने। और हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। हमको एक छोटा सा यहाँ नाला है, उसको पार करके जाना पड़ेगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो पर बने रहें। गाइस, आप यहां आते हैं तो आप देख सकते हैं इधर छोटा डैम है, जो कि ओवरफ्लो हो रहा है। उधर से छोटी नदी आ रही है, इधर से पानी गिर रहा है, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पत्थर है। आप यहां आते हैं तो आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ जंगल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप आए एक बार। तो गाइस, छोटा घाघी जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग जहाँ बाइक खड़ा किए हैं वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। लगभग यहाँ से हमको 1/2 किलोमीटर की दूरी और तय करना पड़ेगा छोटा घाघी जाने के लिए, जो कि एक वाटरफॉल है, खूबसूरत वाटरफॉल। आप वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आप इधर देख सकते हैं खेती किया हुआ है धान का, और मेरे पीछे साइड मक्का का खेती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इधर पेड़ पौधे हैं। तो गाइस, यहाँ से मेरे को 1/2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, जो कि वाटरफॉल के साइड जाना है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं आगे आगे, मैं हूँ पीछे पीछे, जो कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप आते हैं यहाँ तो एक गाइड लेके ज़रूर आएँ, जो कि गांव में मिल जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि आपको ले आएंगे। और इधर का क्षेत्र पूरा पिकनिक स्पॉट है, जो कि आप पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं या वाटरफॉल देखने आ सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। चारों साइड जंगल ही जंगल है। आप देख सकते हैं कुछ रास्ता ऐसा है चढ़ के, जो कि थकावट रास्ता है। मैं आते आते 2 किलोमीटर चल चुका हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। कुछ ही दूरी पर है छोटा घाघी, हम लोग पहुँचने वाले हैं। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और पूरा वीडियो देखें।
आप इधर का नज़ारा देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं छोटा घाघी। आप देख सकते हैं कुछ चढ़ान है जो कि चढ़ान को हम लोग चढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही थकावट रास्ता है। और इधर मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं उधर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ढलान है और इधर खेत भी है। हम लोग को इधर जाना पड़ेगा छोटा घाघी, जो कि उस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़, जो कि उसमें जाना है चढ़ के हम लोग को। और इधर देख सकते हैं कुछ घर भी है पीछे साइड, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, उधर था। और हम चलते हैं आगे छोटा घाघी की तरफ। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं छोटा घाघी, जो कि मैं अभी 3 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके आया हूं। आप इधर देख सकते हैं झरना, जो कि अभी धार बहुत ही कम है क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, इसलिए थोड़ा कम धार है। और आप बरसात के मौसम में आते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर पूरा पानी भरा हुआ आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इधर लोग पिकनिक भी आते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं ऊपर, जो कुछ इस तरह से है नज़ारा। अगर आप जाते हैं ऊपर की तरफ तो आप ध्यान दे के चलें, यहाँ काई जमा हुआ है, देख सकते हैं। अगर काई में आपका पैर पड़ा तो आप फिसल के नीचे गिर सकते हैं, इसलिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। और इधर है छोटा झरना, जो कि देख सकते हैं आप। अभी जल का स्तर कम है तो थोड़ा झरना का भी बहाव कम है। तो गाइस मैं चलता हूँ ऊपर की ओर, जो कि आगे ऊपर में छोटा घाघी का नज़ारा दिखाऊँगा ऊपर से। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ऊपर, थोड़ा चढ़ान है तो इसलिए थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। मैं थोड़ा थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले भी 3 किलोमीटर चल चुका हूँ और भी आगे जा रहा हूँ यहाँ से छोटा घाघी की तरफ। छोटा घाघी पहुँच चुका हूँ, झरना की ओर जा रहे हैं हम लोग, जो कि छोटी धार निकल रही है, उसको आपको ले जा के दिखाता हूँ। इधर है पूरा क्षेत्र झरना का, क्योंकि यहाँ थोड़ा पानी का जल स्तर कम है, इसलिए थोड़ा झरना का बहाव भी कम है। हम लोग थोड़ा लेट कर चुके हैं आने में, हमको समथिंग 1-2 सप्ताह पहले आना चाहिए था, जिस समय जल स्तर ज़्यादा था। अभी थोड़ा कम है तो झरना का बहाव भी कम है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से छोटा घाघी का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अभी पानी कम चल रहा है तो उतना खास नज़ारा नहीं है, इसलिए अगर आप आते हैं तो बरसात के मौसम में आएँ, जो कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। अभी कुछ उतना खास नहीं है, लेकिन अगर आना चाहते हो तो इधर पहाड़ जंगल सब है। देख तो गाइस आप देख सकते हैं झरना यहीं से निकलता है, जो कि ऊपर से आ रहा है, जो कि अभी पानी की धार बहुत ही कम है।
तो देखने में उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन यहाँ का लोकेशन देख के बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देख सकते हैं चारों साइड पहाड़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और आप यहाँ देख सकते हैं झरना जो कि धार निकल रही है। जब बरसात होती है तो यहाँ तो धार निकलता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है देखने के लिए। लेकिन बरसात जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ का झरना का जल स्रोत कम हो गया है, जो कि अब कम होते होते बहुत ही कम हो चुका है। तो आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ घूमने एक बार, नया जगह है, नया जगह में आना चाहिए एक बार। तो गाइस वीडियो हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जो कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से अगले वीडियो की ओर।